देखो बच्चों, सीबीएसई ने 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था जहां पर उन्होंने टू इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे और उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करने कहा था। पूछा था कि भी इसमें से कौन सा सर्किट यहां पर करेक्ट है। तो आपको भी बच्चों यहां पर वीडियो को यहीं पर पॉज करना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करनी है। और जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उस करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने इसका आंसर कर चुके होंगे। नहीं किया था अभी भी इसको ध्यान से देखो, केयरफुली देखो और इसको करेक्ट जो सर्किट है उसको चूज करने की कोशिश करो, ठीक है? तो चलिए, आई होप आप लोगों ने कर चुके होंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों ने भी यहाँ पर अगर बी ऑप्शन को यहाँ पे चूज किया तो मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। जबकि करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ए है, यहाँ पर सर्किट ए यहाँ पर करेक्ट है। सर्किट ए ही क्यों करेक्ट है, क्या रीजन है? तो इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं और ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सर्किट यहाँ पर सही है, कौन सा सर्किट यहाँ पर रॉन्ग है। तो मैं मोहम्मद यूनुस आप सभी का बच्चों वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मात्रा चैनल पर, जहां पर आज हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है? तो चलिए इसका सिखाऊंगा मैं, आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, और साथ में और भी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखे उससे पहले बच्चों कुछ सिंबल्स है जो हमको याद पता होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ दी एनसीईआरटी के हैं, कुछ नहीं है जो मैं यहाँ पर अलग से मैं यहाँ पर मतलब नोट कर रखा हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सर्किट क्या बताता है। तो सबसे पहला सर्किट बच्चों, अगर जहां कहीं भी किसी सर्किट के अंदर एक सिंबल है मतलब सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर रखी हो, तो ये जो सिंबल होता है बच्चों ये होता है कनेक्टिंग वायर का। बच्चों इसको अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर। ओके, याद रखना ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल है। अगर वायर में एक बीच में डॉट लगाकर एक और वायर यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है तो इसको अपन कहेंगे जॉइंट वायर। ओके, और यहीं पे बच्चों अगर कहीं पर वायर क्रॉस हो रहा है विदाउट जॉइंट, बिना जॉइंट के अगर आप एक के ऊपर एक दूसरा वायर ओवरलैप कर रहा है, जॉइंट नहीं है बस क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में हम इसको इस टाइप से बनाएंगे, क्रॉस वायर विदाउट जॉइंट। ना ध्यान, क्रॉस वायर विदाउट जॉइंट। ये किसको बताता है बच्चों, ये रजिस्टर को बताता है। अब रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है, दोनों भी डिस्प्लेस में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये बताता है बच्चों वेरिएबल रजिस्टर को। ओके, वेरिएबल रजिस्टेंस को, जहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा उसके लिए अपन ये सिंबल बनाएंगे जिसको अपन रियो स्टेट भी कहते हैं बच्चों। ना क्या बोलते हैं, रियो स्टेट भी कहते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, रियो स्टेट। और ये दोनों सिंबल बच्चों सेम ही है, ठीक है ना, चाहे ये बनो चाहे ये बनो दोनों के सेम ही है। यहाँ पर ये आता है बच्चों इलेक्ट्रिक सेल का, इलेक्ट्रिक सेल जो अपन यूज करते हैं बैटरी वगैरह मतलब उसके अंदर इसके रिमोट वगैरह के अंदर यूज करते हैं, टॉयज के अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रहने वाला है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बड़ी वाली लाइन होती है बच्चों पॉजिटिव को बताती है, छोटी वाली नेगेटिव को बताती है। और वहीं जब आप बच्चों टू और मोर देन टू सेल को जब आप कंबाइन करते हो तो ये किस क्या फॉर्मेशन होता है बच्चों, यहाँ पर बैटरी का फॉर्मेशन होता है ना, बैटरी बन जाती है। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे, ध्यान रखना बच्चों जो बड़ी वाली लाइन होती है उसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं और छोटी वाली को अपन लो पोटेंशियल बोलते हैं, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। ओके, याद रखना। और याद रखना जब कभी भी आप सेल से बैटरी बनाओगे ना तो हमेशा सेल को अपन को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना बच्चों, कैसे कनेक्ट करना है सीरीज में। ओके, चलिए तो ये हो गया। फर्दर बच्चों एट नंबर यहां पे सिंबल ये बताता है कि अगर किसी वायर में ब्रैकेट बना रखा हो और बीच में कोई भी डॉट नहीं हो तो ये बच्चों ये बताता है ओपन सर्किट को। यहां पर किसको बताता है, ओपन सर्किट कह सकते हो, स्विच ऑफ कह सकते हो, स्विच ऑफ कह सकते हो, या फिर ओपन की कह सकते हो, ये ओपन की भी बोल सकते हो आप लोग, की का सिंबल भी है ओपन की, दोनों सेम ही बच्चों। इस तरीके से बनाया जाता है सर्किट में, इस तरीके भी बनाया जाता है, दोनों आप बना सकते हो दोनों में से कोई भी एक। ये किसको बताता है, क्लोज सर्किट को बताता है, या तो क्लोज सर्किट लिख दो या फिर स्विच ऑन लिख दो, की ऑन लिख दो आप लोग, ये भी लिख सकते हो की ऑन है यहाँ पर, दोनों का सिंबल सेम है यहाँ पर, ये हो गया। अब देखो बच्चों, अच्छा देखिए यहीं पे बच्चों को डाउट होता है कि सर ये मतलब कि सर्किट जब क्लोज है तो ये ऑन कैसे हो सकता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन आंसर मैं करता हूं कि स्विच मतलब कि ऑन होते हुए सर्किट क्लोज कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे रीजन कैसे, देखो सपोज करो कि हमारे पास एक सेल है और अपन ने कुछ ऐसे सर्किट तैयार किया, ये रजिस्टर लगा दिया, एक सर्किट तैयार किया, तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, तो बताओ क्या यहाँ पर पॉसिबल है कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर जाए, कैसा पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट है ना वो ओपन है, क्या बच्चों ओपन, और जब भी सर्किट ओपन होगा तो क्या यहाँ पर करंट फ्लो करेगा क्या नहीं करेगा, तो सर्किट ओपन और जब भी सर्किट ओपन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था मैं क्या कह सकते हो, स्विच ऑफ कह सकते हो आप लोग, स्विच ऑफ कह सकते हो या फिर की ओपन बोल सकते हो आप लोग, तो यही बोले जब भी स्विच ऑफ होगा तो सर्किट कैसा ओपन होगा। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर करंट फ्लो करे तो करंट फ्लो करने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ेगा और जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज जाएगा। यार एक बार डायग्राम बनाता हूं यहां पर कि अगर आप क्या करते हो स्विच को ऑन करना चाहते हो
तो उस केस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने सर्किट को क्लोज कर दिया ना, तो इट मीन्स बच्चों अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा। यानी आप कह सकते हो सर्किट क्लोज है, और या भी कह सकते हो कि ऑन है बच्चों। ये हो गया, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा आपको इस टाइप से, देखो यहां पर ये इस टाइप से। ओके चलिए, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अमीटर। अगर किसी सर्किट में अगर ऐसे सर्कल बनाकर बीच में ए रखा है, तो समझ लेना ये अमीटर है। अमीटर बच्चों क्या मेजर करता है, अमीटर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और ये बच्चों लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है या हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं कर चुका हूं लास्ट वाला, जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला वीडियो देखा था अपने, इससे पहले वाला मतलब सेकंड लास्ट वाला, तो उसके अंदर बताया था अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस नहीं देखा तो जरूर देखना। इसमें भी टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या बच्चों वी किसको बताता है, वोल्ट मीटर को। तो इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रहने वाला है। गैल्वेनोमीटर को इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। गैल्वेनोमीटर ओके, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, मतलब स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर मतलब डिटेक्ट कर देता है, मेजर भी करता है, साथ में ये भी बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट को जो ऐसे भी फ्लो कर सकता है, ऐसे भी फ्लो कर सकता है, इसलिए अपन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव अपन यहां पर नहीं लगाते हैं। ओके चलिए, ये किसको बताता है बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब को बताता है। ओके इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये हुए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब इन्हीं सिंबल को हम कंबाइन करते हुए एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे तैयार किया जाएगा बच्चों, सर्किट तैयार करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, वायर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले कनेक्टिंग वायर लेते हैं। तो कनेक्टिंग वायर लिया, अरे वायर के अंदर अगर अपन को करंट फ्लो कराना, तो करंट फ्लो कराने के लिए अपन क्या चाहिए, क्या चाहिए अपन को, सेल चाहिए। तो सेल ले लो या बैटरी ले लो, ये सेल या बैटरी ले ली। अब ये थोड़ी चाहोगे कि हमेशा करंट फ्लो करता रहे, आप ये भी तो चाहोगे कि उसके अंदर क्या हो, उसको अपन कभी ऑन ऑफ कर सके। तो ऑन ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, की यूज करेंगे। ये की यूज किया हमने। अब इसके बाद बच्चों सर करंट हम जिस वायर में फ्लो करा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि बिल्कुल कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं हो, नहीं रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर बना दिया अपन ने यहाँ पर। अब इस रजिस्टर का बच्चों अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, ये रजिस्टर के टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर करना पड़ेगा। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों, ध्यान रखना कैसे कनेक्ट करेंगे, अपन पैरेलल कनेक्ट करेंगे। याद रखना वोल्ट मीटर विल ऑलवेज कनेक्टेड इज पैरेलल, ना पैरेलल इज सर्किट, पैरेलल में करना। जबकि अमीटर को कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों, सीरीज में कनेक्ट करोगे। ओके याद रखना सीरीज में। तो ये अमीटर का वोल्ट मीटर को अपन ने पैरेलल कनेक्ट किया। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, सेल या बैटरी। ये हो गया वोल्टमीटर कनेक्ट किया। अब आपको सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी स्विच को ऑन करेंगे, अब करंट फ्लो होगा। अब जैसे करंट फ्लो होगा तो इसके लिए करंट को मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अमीटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, अमीटर। ध्यान रखिएगा अमीटर के अंदर भी बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए बच्चों बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। ये आपको ध्यान रखना है ओके, कि देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल विल कनेक्टेड टू द सेल विल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर, वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर विल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, है ना, ये याद रखना आप लोगों को। अब इसके बाद बच्चों और क्या बच गया हमारे पास में, कहीं बल्ब बनाना, तो बल्ब तो हम कहीं भी बना सकते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह हो गया। तो यही है बच्चों मेनली जो सर्किट हम तैयार करते हैं ज्यादातर पे यही यूज कर रहे हैं। ओके तो ये बना हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। ये देख सकते हो कि भी इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो देखो अपन देखने की कोशिश करते हैं कि सबको देखो, देखते हैं सबसे पहली चीज, अच्छा इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, करंट करंट करंट। याद रखना बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर से किधर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना। तो अब देखो ये आपने सीख लिया, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अपन ऊपर वाले देखते हैं इनमें क्या ऐसा गलत आ गया। तो देखो देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं सेल देर का, सेल बैटरी दिखा रखी है, दो सेल कनेक्ट करके बैटरी बना रखी है, पॉजिटिव टर्मिनल सही है, नेगेटिव टर्मिनल सही है, क्योंकि बड़ी लाइन पॉजिटिव छोटी वाली नेगेटिव सही है।
करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, बिल्कुल सही है। और करंट भी तब फ्लो करेगा बच्चों जब क्या हो, स्विच ऑन, तो स्विच ऑन है सर, स्विच ऑन है तो करंट फ्लो कर जाएगा, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं अपन, पैरेलल, तो पैरेलल कनेक्शन है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, ये भी फ्लो कर रहा है, ये भी फ्लो कर रहा है, सही है। अब इसके बाद में आ गया बच्चों यहां पर एमिटर, कि एमिटर में आपको पता है कि एमिटर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के। एमिटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल देखो किससे कनेक्ट हो रहा, किससे कनेक्ट हो रहा, किससे कनेक्ट हो रहा, पॉजिटिव टर्मिनल, सही है। नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल से, ये भी सही है। इट मींस बच्चों ये जो हमारा सर्किट है ना बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो फिर बात आती है सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो बच्चे सोच रहे सर इसके अंदर की इधर लगा दी, इधर लगानी चाहिए, मतलब कि इधर होनी चाहिए, मतलब इधर इधर होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज को ध्यान रखना बच्चों कि को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां लगो, यहां लगो, यहां लगो, यहां लगो, यहां लगो, यहां लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैरेलल में नहीं होनी चाहिए। अगर सीरीज में आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो किसको, की को, ओके, इस चीज का ध्यान रखना की को। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल किधर लगाए, इधर लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में कुछ बच्चे ले लेंगे एमिटर को, कि सर एमिटर तो इधर कनेक्ट होना चाहिए ना, इधर कैसे कनेक्ट हो सकता है, हो सकता है बच्चों, एमिटर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर कनेक्ट करो इधर, बस जिस वायर में करंट मेजर करना है बस वहीं पर आपको कनेक्ट होना चाहिए, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमिटर भी कनेक्ट, फिर दिक्कत क्या आ गई, फिर दिक्कत आ गई बच्चों यहां पर, ये यहां पर यार, ये देखो ये वाली दिक्कत आ गई, ये वाली आपको बताया ना कि जो एमिटर का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होना चाहिए, सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दिया आपने, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो गलत हो गया ना, गलत हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, यस, गलत बच्चों, ये ऐसा नहीं हो सकता। और ये पॉजिटिव को आपने किससे कर दिया, नेगेटिव से कर दिया, तो ये सही है क्या, नहीं है बच्चों, यही तो गलत है, ये गलत है बच्चों। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हम जब सर्किट बनाएंगे ना तो इनमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे, ओके। तो आई थिंक बच्चों ये जो डायग्राम बच्चों आपको समझ में आएगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लो,